हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिर से और एक अनबॉक्सिंग वीडियो। एंड आज हमारे पास है इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 प्लस। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा इसके सारे स्पेसिफिकेशंस। एंड मैं आपको बता दूं, इन्फिनिक्स जो ब्रांड है ये बजट रेंज और मिड रेंज प्राइस पे बहुत ही अच्छे से काम करता है। हमेशा ये जो फ़ोन्स लॉन्च करता है जिसमें फीचर्स अपग्रेडेड होते हैं एंड प्राइस बहुत ही कम होता है। एंड इस फ़ोन का प्राइस भी बहुत ही कम है, जो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। अगर आप इस फ़ोन को परचेस करना चाह रहे हो तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस फोन के रिगार्डिंग ये वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। एज यूजुअल, हमेशा की तरह बॉक्स को ओपन करने से पहले बैक साइड में आपको कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं। एंड आपको इस फोन में मिलते हैं 6.82 इंचेस की एक HD प्लस की बड़ी सी डिस्प्ले, अप टू 6GB रैम सपोर्ट है, 5000 mAh की आपको बड़ी सी बैटरी मिलती है, 8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है विथ डुअल LED फ्लैश के साथ में, ऑक्टाकोर 12nm का आपको G25 प्रोसेसर मिलता है, फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी आपको इस फोन में मिल जाता है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 प्लस के बॉक्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करोगे, फर्स्ट आपको मोबाइल फ़ोन मिलेगा, इसके हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। फिर आपको बॉक्स में मिलता है एक सेपरेट सिम इजेक्टर टूल पिन और आपको मिलता है चार्जिंग अडैप्टर, साथ में है माइक्रो USB चार्जिंग केबल और आपको कुछ पेपर वर्क मिलता है, आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं, यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड। फिर आपको मिलेगा वेलकम टू एक्स क्लब का कार्ड। एंड लास्ट में आपको बॉक्स में मिलता है एक ट्रांसपेरेंट हार्ड केस कवर। जी हाँ, ये एक हार्ड केस कवर है और ये सॉफ्ट केस नहीं है, जो दिखने में बहुत ही अच्छा दिखता है और अगर आप फ़ोन को लगाओगे तो लुकिंग में भी बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे इस मोबाइल फ़ोन की। सबसे पहले कवर से हम इसे निकाल देते हैं एंड आपको इसमें सिर्फ दो ही कलर्स मिलते हैं, एक है सी ब्लू एंड आपको ब्लैक कलर मिलता है। दोनों भी कलर्स बहुत ही अच्छे हैं, जो आपको बेटर लगे आप उसे परचेस कर सकते हैं। बट आप इस फ़ोन का बैक साइड देखिए, जो बहुत ही अच्छा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। दिखने में आपको ये ग्लास बैक लगेगा, डेफिनेटली मुझे भी यही लगा था, बट ये एक पॉलीकार्बोनेट बैक है, प्लास्टिक बैक जो ग्लॉसी फिनिश के साथ में आता है। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर बोलूँगा, ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, जब आप फ़ोन को होल्ड करोगे तो सारे फिंगरप्रिंट्स आपको बैक साइड में शो होंगे। ऊपर के साइड अगर आप देखोगे तो कैमरा मॉड्यूल है जिसमें डुअल कैमरा सेटअप है विथ डुअल LED फ्लैश के साथ में। एंड उसी के राइट साइड में है फिंगरप्रिंट स्कैनर, इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर है। नीचे के साइड में अगर आप देखोगे तो इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है। सो ओवरऑल जो इसका बैक साइड डिज़ाइन और लुक है, ये प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा मिलता है। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करते हैं, राइट साइड में आपको मिलता है पावर की, वॉल्यूम अप एंड डाउन की भी आपको राइट साइड में ही मिलते हैं। नीचे के साइड में आपको मिलता है स्पीकर, माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन है, साथ में है 3.5mm का एक हेडफोन जैक। लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ सिम ट्रे का ऑप्शन मिलता है एंड ये एक ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, जहाँ पर आप 2 SIM प्लस है 1 memory कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब स्मार्ट 6 प्लस फ़ोन के डिस्प्ले की बात करते हैं। आपको इसमें 6.82 इंचेस की एक बड़ी सी HD प्लस की एक IPS डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले बहुत ही अच्छी है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.66% है एंड 440 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है। आउटडोर के साथ साथ जो इंडोर विजिबिलिटी है डिस्प्ले की, ये आपको बहुत ही अच्छी मिलती है। और अगर आप साइड के बेजल साइज़ देखोगे, जिसका साइज़ बहुत ही कम है एंड साथ ही साथ जो चिन साइज़ है ये भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है एंड लास्ट वन फ्रंट में आपको पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिलता है। और अगर आप इस फोन के सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको XOS वर्जन 10.6.0 मिलता है एंड ये एंड्रॉयड वर्जन 12 गो एडिशन पर बेस्ड है एंड साथ ही में रैम एक्सपेंशन सपोर्ट भी मिलता है। इस प्राइस रेंज में आपको 3GB तक आपको वर्चुअल रैम सपोर्ट मिलता है, 3GB प्लस 3GB आपको 6GB तक आपको रैम सपोर्ट इस फोन में मिलता है। एंड आप यहाँ पे देखिए, जो
जो क्वालिटी है फ़ोन के डिस्प्ले की, ये आपको बहुत ही अच्छी मिलती है। बड़ी सी डिस्प्ले है एंड ये एक IPS डिस्प्ले है। उसके बाद भी जो कलर्स है काफ़ी अच्छे निकल कर आते हैं। जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस रहेगा आपका इस फ़ोन में वो बहुत ही अच्छा होगा। एंड जो क्वालिटी है फ़ोन के डिस्प्ले की, ये भी आपको अच्छी मिलती है। अब इस फ़ोन के कैमरे की बात करते हैं। आपको इसमें डुअल कैमरा सेटअप मिलता है जो कि 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। साथ में आपको डेप्थ लेंस मिलता है एंड कैमरे में भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जहाँ पे टाइम लैप्स है, वीडियो आप 1080p पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ में आपको AI कैमरा है, ब्यूटी मोड है, साथ में आपको पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन मिलता है, AR शॉट है, और भी ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो आपको इस फ़ोन के कैमरे में देखने को मिलते हैं। अगर आप इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात करते हैं तो आपको इसमें मिलता है हीलियो G25 का एक 12nm प्रोसेसर। देखिए, बेसिक और नॉर्मल गेम्स आप आसानी से इस फ़ोन में खेल सकते हैं एंड हैवी गेम्स भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी गेमिंग टेस्ट चल रहा है। गेमिंग के लिए मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जहां पे आपको सारी गेमिंग की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए अब हम इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट और फेस लॉक टेस्ट करते हैं, देखेंगे कितना फास्ट आपको अनलॉक मिलता है। रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर है एंड मैंने फिंगरप्रिंट भी ऐड कर रखा है। डायरेक्टली आपको अनलॉक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लॉक किया, जैसे फिंगर प्लेस करूँगा अनलॉक, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे फिंगर प्लेस करूँगा अनलॉक एंड लास्ट टाइम जैसे मैं यहाँ पे फेस अनलॉक भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने लॉक किया, जैसे फेस यहाँ पे लाऊंगा अनलॉक, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट और फेस लॉक है, ये आपको बहुत ही फास्ट मिलता है। एंड जो बैटरी है इस फ़ोन की, ये आपको बड़ी सी 5000mAh की बैटरी मिलती है। एंड मैंने जितने भी टाइम से फ़ोन को यूज़ किया है, जो बैटरी है वो बहुत ही कम ड्रेन होती है। नॉर्मली अगर आप फुल चार्ज करते हो तो वन डे आराम से आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। सो जो बैटरी है इस फ़ोन में, ये आपको अच्छी मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं इस फ़ोन के प्राइस की। देखिए, ये आता है सिर्फ एक ही वेरिएंट में, जो है 3GB रैम 64GB रोम के साथ में। एंड जो इसकी प्राइस है, ये है 8,299 रुपीज़ में, बट मैंने इसे 10% डिस्काउंट में 7,225 में परचेस किया है। और अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 प्लस फ़ोन के रिगार्डिंग, तो मैं आपको बता दूं, ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल फ़ोन है इस प्राइस सेगमेंट में। देखिए, 7,225 रुपीज़ में आपको बड़ी सी 6.82 इंच की एक डिस्प्ले मिल रही है और 64GB रोम है, 5000mAh की बड़ी सी बैटरी है। और अगर आप इस फोन को परचेस करना चाह रहे हो तो आप डेफिनेटली इस फोन को परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।